फिर तुम उनको क्यों इतना बुरा बोलते हो? वो सम्राट है, संभाजी महाराज भी संभाजी महाराज है, लेकिन संभाजी महाराज मेरे तरफ से, मेरी पार्टी जिस दिन भी सत्ता में आएंगी ना, मैं औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद रखूंगा और पुणे का नाम मुझे बेकार दिखता, पुणे का नाम हटा के संभाजी नगर रखूंगा मैं, ठीक है। उन्हें हिट एंड रन केस लेकर आए, ठीक है। इससे बेहतर तुमने जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके ऊपर शिकंजा कसना था, उस पर सख्ती से कानून बनाना था, वो जरूरी था। देश का जो भविष्य है, जो गरीब बच्चे, जो भीख मांगते, जो परेशान है, सरकारी स्कूलों के एजुकेशन को तुम कम कर दे रहे और इंस्टीट्यूट के एजुकेशन को बढ़ोतरी दे रहे, तो उन्होंने कहां से वो पे करेंगे उतना? तुम सरकारी स्कूलों को करो ना और उनके ऊपर शिकंजा करो, उनके ऊपर नए कानून लाओ, उनके ऊपर वो लगाओ एवीएम मशीन। मेरा तो यही एजेंडा है पहला कि एवीएम 2024 में एवीएम हटा के इलेक्शन कराओ, एवीएम मशीन हटाओ और संविधान बचाओ। तुम बोलते कि राम राज्य, अगर अभी महाराज राम जी मौजूद होते तो क्या उन्होंने स्वीकार करते थे? क्या उन्होंने बोलते थे मस्जिद गिरा और मुझे वहां मंदिर बना कर दो? एक बार भी नहीं करते। तुम खुद सोचो, हमने हमारी खून, ये मिट्टी के अंदर हमारा खून शामिल है। तारीख के पन्ने उठा के देखो, वो जो पाकिस्तान बना तो क्या हमने बोले थे पाकिस्तान को अलग करो? हम तो आज तुम्हारा बोलते चलो पाकिस्तान पे चढ़े करो, ले लो अंदर में आ जाओ, अखंड भारत करो उसको पूरा। हर वक्त मुसलमान ने ये काम किया है, देश के लिए अपनी जान दिया है, जान से प्यारा देश हमारा कुर्बान, मेरी जान देश के है नाम। औरंगजेब जो है तो कोई जालिम और क्रूर बादशाह नहीं था। उनकी हिस्ट्री पढ़ो तुमको पता चलेगा, उनके सिपर सालार कौन थे, उनके वजीरा कौन थे, उन्होंने जंग लड़ने के लिए किसको भेजते थे, ये तारीख गवाह है हिंदुस्तान की। अरे पढ़ के तो आओ घरों को जाकर। मैं सेल्फ एडुकेट सैयद टीपू सुल्तान, डॉक्टर अम्बेडकर सेना नेशनल पार्टी फाउंडर प्रेसिडेंट, मैं औरंगाबाद अपडेट न्यूज का खैर मकदम करता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सबका खैर मकदम करता हूँ, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि मेरी आवाज़ आपके थ्रू घर घर तक पहुँचूंगी और हर आम जनता तक। और ये जो फिरखा परस्त की जो राजनीति है, इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मैंने कल भी मेरे बयान में यही बताया कि जो दीन धर्म है, गिरजाघर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, तुम कोई भी जात, कोई भी धर्म के हो, संविधान ने तुम सबको जीने का इक्वल, सब एकदम आजादी के साथ में और सबको जीने के फंडामेंटल राइट्स दिए वाले, तुम्हारा दीन धर्म तुम्हारा सब, तुम्हारे मस्जिद मंदिर घर जो भी है, हमारा दीन तुम्हारा दीन जिसका भी है, वो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा उसके अंदर तक सीमित रहेगा तो बेहतर है। राजनीति के अंदर अगर तुम दीन धर्म को लेंगे तो वो बहुत गंदी और बहुत ही गंदी राजनीति हो रही। इसलिए मैं फिरखा परस्तों के सख्त खिलाफ हूँ। सर, आजकल बाल देखा जा रहा है कि आप देख रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है, अलायंस बढ़ रहे हैं, तो आपकी आपकी क्या आपके क्या सोचा है इंडिया गठबंधन में जाएंगे? इंडिया गठबंधन जो बढ़ रहा है, अलायंस राष्ट्रवादी कांग्रेस है, सेना है, भाजपा, तमाम एक लोग मिल रहे हैं, 20-25 पार्टियां मिलकर काम कर रही कि हम लोकसभा के अंदर मिलकर काम करेंगे, तो आप अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं कि मिलकर कोई पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे आप? देखो, जनता के हित में, अगर जनता के ये जो पार्टी जो बनाए, जो भी अल्लाह के फजल करम से मैंने बहुत जद्दोजहद करा पार्टी बनाने के लिए, मुझे बाबा साहब का नाम नहीं दे रहे थे और बहुत ही जद्दोजहद करके लड़के फाइट करके आप लोगों के लिए, अवाम के लिए, जनता के लिए, आप अगर साथ देंगे मेरा तो फिर सबका साथ और जनता का, गरीबों का विकास होगा। बाकी बोलने के लिए तो बहुत आसान रहता, सबका साथ सबका विकास बोलकर आए थे और क्या करे क्या नहीं करे जनता बहुत अच्छे से जानती बेहतर, क्योंकि ये दौर जो है टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है और जेब में दुनिया है लोगों के, मोबाइल इंटरनेट उसके अंदर सब लोगों को हर चीज। और रही बात गठबंधन की, अगर वक्त वैसे तो वक्त अगर आएगा और गठबंधन करने में जनता का अगर फायदा होगा तो गठबंधन के बारे में सोचेंगे, और वो भी गठबंधन अगर कर भी देंगे और अगर वो जनता की उन्होंने अगर सहायता नहीं करेंगे, जनता को उसका लाभ बेनिफिट नहीं पहुंचेगा तो फौरी गठबंधन तोड़ भी देंगे, क्योंकि हम खुद के पर्सनली फायदे के लिए और खुद के वास्ते तो ऐसा कुछ बनाया नहीं पार्टी। आपके गौर गरीबों तक की आवाज, जो भी गौर गरीब तक उसका उनकी आवाज जो है गली से दिल्ली तक ले जाने के लिए, और जरूरी नहीं है विधानसभा में चुन के आओ, जो असल नेता रहता, जो रियल नेता रहता, वो ना विधानसभा में, ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में कहीं चुनकर नहीं आता हो, मगर फिर भी नेता रहता। सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के अंदर आपकी पार्टी महाराष्ट्र में कितने सीट लड़ाने का इरादा रखती है, ऐसा कोई ख्याल होगा आपका? कुछ बताइए जानकारी। नहीं, अभी तो जैसा अभी स्टेब्लिश हुआ, अभी वक्त बहुत कम है हमारे पास में और इलेक्शन करीब आ गए, फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश जितनी भी हो सके उतनी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी यहाँ से आगाज हुआ और हमको ज्यादा टाइम नहीं मिला, फिर भी हम थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर, जब ये इंटरव्यू वायरल हो रहा होगा तो अक्सर कमेंट आते हैं,
लोग कहेंगे कि आयन वक्त चुनाव के ऊपर आप तशरीफ ला लिए हैं, इससे पहले कहा थे बहुत से मसले थे, वकबट के मसले है, बहुत से मसले थे, वो मसले पे आप क्यों नहीं आए, आज के हालात पे क्यों नहीं आए, आज इलेक्शन के ऊपर क्यों नहीं आया। कहीं ना कि फिर एक क्रमांक ये भी आएगा कि कहीं ना कि ये बीजेपी की बीटी में, ये ऐसा आपको देखने में आता है, जो जो पार्टियां मैदान में आती है उसके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगते हैं, ये भाषपा की बीटी में। आप समझ रहे होंगे कई बड़े बड़े पार्टियों को लोगों ने यहाँ तक एमआईएम को तक निशाने में रखा है कि इनको भी बीटी कहा जाता है, हालांकि इनकी भी एक अपनी बहुत बड़ी ताकत है। तो आप क्या कहेंगे इसके पास, आप भी इल्जाम रख सकते हैं। देखो मेरी जो विचारधारा है, गांधीवाद जो है तो बहुत कर लिए हमने, गांधीवाद। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी है, उनके विचारधाराओं पे चलने वाली पार्टी बनाया मैंने। और सारे पार्टियां तो बहुत है, 1947 से देश आजाद हुए जब से बहुत सारे पार्टियां बने, उन्होंने रूल्स करे, उन्होंने कैसा करे क्या करे, कैसे राजनीति है, वो सब जनता को पता है। रही बात कि आज जो है, आज जो संविधान के बारे में जो बोला जा रहा, जो हिंदू राष्ट्र के बारे में बोला जा रहा, कैसा बोला जाता कि हिंदू राष्ट्र, अभी कौन सा राष्ट्र है, तुम कौन से राष्ट्र में जी रहे अभी, ये जो बोलते हिंदू राष्ट्र, किसको बेवकूफ बना रहे तुम, चारों वेद पढ़ लो, चारों वेद के अंदर कहीं लिखा हुआ नहीं है तुम हिंदू लोग हो बोल के, चारों वेद में भी लिखा था तुम शाश्वत या सनातन धर्म के लोग हो, फिर तुम कहां से बोलते कि हम हिंदू, हिंदू जो वर्ड है तुमको उर्दू जबान से बहुत नफरत है, जबकि उर्दू जबान हमारे हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ है, और उर्दू जबान का वर्ड है हिंदुस्तान, हिंदू यानी कि यहाँ का जो ज्योग्राफिक हिसाब से जो इंसान रहता, मिसाल के तौर पे सम एग्जांपल, चीन का रहने वाला चीनी, जापान का रहने वाला जापानी, सऊदी अरब का रहने वाला सऊदी, इंडिया का रहने वाला इंडियन, इंग्लिश में इंडिया का रहने वाला इंडियन, भारत का रहने वाला भारतीय, हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू, ज्योग्राफी के हिसाब से हिंदू बोला जाता। तो फिर बताओ कि तुम इसमें कहां से ला रहे हिंदू राष्ट्र, तुम कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे, कि तुम असल में हिंदू राष्ट्र में तो ऑलरेडी रह रहे, असल में संविधान हटाना चाह रहे, संविधान के दुश्मन। और एक बात याद रख लेना कि संविधान को चाहने वाली जनता बहुत है, अंग्रेजों को मार के भगाए देश से और संविधान को लागू करे संविधान, तो संविधान अंग्रेजों की नाजायज औलाद अगर बोलेंगी कि हम संविधान हटेंगे और दूसरा कुछ लगेंगे तो कैसा लगाने देंगे, इतना के आसान है, इतना के ये है। और आप जो कह रहे कि ये जो बीजी कोई भी एक्स वाई जेड, मैं नाम तो नहीं लूंगा, आप कह रहे कि उनको बेनिफिट मिलेगा, इससे गलत बात है, क्योंकि मेरी विचारधारा बाबा साहब अंबेडकर की जो विचारधारा है उनके विचारधारा के हिसाब से मैंने ये सब बनाया। और उनको पढ़ो, बाबा साहब जो नेता है ना, बाबा साहब मुसल जय भीम समाज के नहीं है, सारे देश के लिए और हर समाज के लिए कर रहा उन्होंने कार्य, इतनी मेहनत करे, उनकी कैसी मशक्कत और कैसी मेहनत करके उन्होंने आगे बढ़े आले है के देखेंगे आप, उनको पढ़ेंगे तो आपको फिर पता चलेगा। और ये जो बातें करते ना हरे हरे सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल गलत बात है। कहां करे तुमने सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास अगर तुमको देखना है तो संविधान पढ़ो, तुमको पता चलेगा संविधान में बाबा साहब ने रियल में सबका साथ और सबका विकास करे वाला। सवाल ये भी सर, जैसा आपने कहा कि संविधान, हर पार्टी हो वो संविधान का नाम लेती है, वो कहती है बाबा साहब को मानने वाले, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, एमआईएम, बहुत सी पार्टियां, और आप कह रहे हैं कि मैं अंबेडकर साहब को विचारधारा मानता हूँ, ये पार्टियां भी तो ये ऐलान करती है कि हम बाबा साहब को मानते हैं। सवाल ये, जब आप भी बाबा साहब को मानते हैं, वो भी बाबा साहब को मानते हैं, तो फिर एक जगह आने में क्या बुराई है? ये आज ऐसा कहा जा रहा है कि जो बाबा साहब के विचारधारा की पार्टियां इनको एक जगह आना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े दानिश्वर कह रहे सर। नहीं नहीं, ये जो है बात आप कह रहे ठीक है, लेकिन इन अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, असल नेतागिरी बता रही है। खुल के बताइए, खुल के बोलिए सर, क्या है अंदर से, किस तरह से है? देखो ना अभी कितना विरोध कर रहे, कैसा देश के अंदर क्या मामला बना रहे, कैसा उनका मैनिफेस्टो क्या था उनका, पढ़िए आपके, मैं धारा 370 हटा देंगे, संविधान भी हटा देंगे, बीजेपी का ऐसा कहना था उनके मैनिफेस्टो के अंदर, धारा 370 हटाए, ठीक है, 24 के इलेक्शन के बाद उनका कहना था हम संविधान में भी करेंगे। तुम संविधान बोले तो जीने को गरीबों को हक दिया वाला है, और तुम गरीबों का हक क्यों मानते? अभी देखो कैसा परेशान करते, कभी ला लेते 3 तलाक, कभी लाते नोटबंदी, कभी लाते GST, कभी लाते NRC, कभी लाते CAA, हर वक्त गरीब इंसान खतरे में है जान, और तुम्हारे वहां तक गली से दिल्ली तक कौन पहुंचाया सब बड़े बड़े नेता लोगों को, आम जनता ने, और फिर उनका क्या बोलते तो आम जनता का हक मारेंगे। अभी तुमने हिट एंड रन केस लेकर आए, ठीक है, इससे बेहतर तुमने जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके ऊपर शिकंजा कसना था, उस पर सख्ती से कानून बनाना था, वो जरूरी था, देश का जो भविष्य है, जो गरीब बच्चे, जो भीख मांगते, जो परेशान है, जो एतिम है, जो एसीर है, वो बच्चों को हायर एजुकेशन दे के उनको क्या बोलते तो आगे बढ़ाना था, ये तुम्हारा काम था। और तुमको अगर वो बनाना था, नया कानून लाना था, तो तुम इसके ऊपर नया कानून लाना था, जो
इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे, कितने लाखों रुपए उन्होंने क्या बोलते तो उसमें बच्चों से फीस वसूल कर रहे। गरीब का बच्चा कहां से देगा, जो रोज कमाते खाते उन्होंने कहां से देंगे। और तारीफ तो गवाह है, सबसे ज्यादा देश के अंदर जो देश का नाम रोशन करा, सबसे ज्यादा गरीब के बच्चे लिस्ट के अंदर देखो। तुम सरकारी स्कूलों के एजुकेशन को तुम कम कर दे रहे और इंस्टीट्यूट के एजुकेशन को बढ़ोतरी दे रहे, तो उन्होंने कहां से वो पे करेंगे उतना। तुम सरकारी स्कूलों को करो ना और उनके ऊपर सिखाने जाकर उनके ऊपर नए कानून लाओ, उनके ऊपर वो लगाओ, उस पर विचारधारा करो, उस पर सोचो ना। तुम कैबिनेट की बैठक लो उसमें। सर आज पूरे देश के अंदर ईवीएम मशीन के पास सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन तरफ से अभियान चला जा रहा है। ये आपके सामने मशीन है, आप उसको चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन करें आप। हाँ बोलिए। ये है कोई जांचा जा रहा है कि देखिए मशीन में फॉल्ट है नहीं है, क्या बात है। मेरा सवाल ये है कि इस अभियान को एक तरफ जनता की बहुत से लोग कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन से नहीं होना चाहिए और सरकार करी, इसके अंदर कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं। अच्छा कैसा देखते हैं आपका नजरिया क्या है? अच्छा मैं बताता हूँ आपको। बहुत अच्छा सवाल करे आपने कि जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन, मेरा तो यही एजेंडा है पहला कि ईवीएम 2024 में ईवीएम हटा के इलेक्शन कराओ, ईवीएम मशीन हटाओ और संविधान बचाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सबके जेब में मोबाइल है ना, करेक्ट। वो मोबाइल हैक हो सकता बट हैक नहीं हुआ, कोई भी तुम्हारे मोबाइल को हैकिंग कर सकता है, मैं करेक्ट कर सकता। तो वो मशीन है, वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जो देश ने मशीन को क्रिएट करा, जो देश ने मशीन बनाया, वो देश खुद मशीन पे इलेक्शन नहीं करता, फिर हम क्यों मशीन पे इलेक्शन करेंगे? अगर मशीन है वो देश भी खुद मानता ये बात को, अमेरिका ने भी माना, सब ने माने कि हाँ ये टेक्नोलॉजी कभी भी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी हैक कर सकते, हैकिंग हो सकती। फिर तुम जनता के अधिकार का उल्लंघन क्यों कर रहे? जिनको भी वोट देने का अधिकार है उनका तो उल्लंघन हो जा रहा, फिर उनके हक मार दे रहे तुम। सर आज हम देख रहे हैं कि 22 जनवरी बहुत करीब आ रही है, राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है और कुछ अपने मतलब मुसलमानों के दरमियान से कुछ आवाज उठ रही है कि 22 जनवरी को आप घर में रहिएगा, ट्रेन में सफर मत कीजिएगा, कुछ भी हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, मुल्क में दंगा भी हो सकता है। तो ऐसे हालात में एक भाईचारे के नजरिए से आपकी तरफ से एकता का संदेश है? देखो मैं तो पहले यही बोलूंगा कि बाबरी मस्जिद जो थी वहां पर ऑलरेडी बनी हुई थी, उसको शहीद उसको तोड़ दिया गया, उनको क्यों ने पनिशेबल करे, उनको क्यों ने सजा मिली? अगर बाबरी मस्जिद नहीं टूटती थी तो सवाल ही नहीं होता था वहां पैदा के राम मंदिर बनने का। कैसा फैसला दिया गया? आस्था के बिना पे फैसला चलता क्या? संविधान में है कहीं लिखा हुआ? संविधान में तो ऐसा बोला हुआ है ना कि सबूत देखो और सबूत देखकर फैसला दो। आस्था के बिना पर फैसला दे दिए, जबरदस्ती तुमने छीन लिए किसी का धार्मिक स्थल और उसके बाद तुम क्या बोलते तो और बहुत सारे धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रहे। तुम करना क्या चाह रहे? ये गलत है। और ये तुम अपने तारीखी देश की जो भी मस्जिद है, जो भी चीज थी, वो तारीखी स्थल, तारीखी चीजें थे, उसको सबको तोड़कर तुम ऐसे ये हरकतें कर रही, अच्छी बात नहीं है। अगर तुम बोलते कि राम राज्य, अगर अभी महाराज राम जी मौजूद होते तो क्या उन्होंने स्वीकार करते थे? क्या उन्होंने बोलते थे मस्जिद गिरा और मुझे वहां मंदिर बना कर दो? एक बार भी नहीं करते। तुम खुद सोचो। तो ये ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए, इतनी गंदी राजनीति नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। दिल में आग लगी है तो सुबह तक आएंगी, वक्त की घड़ी है, आज नहीं तो कल बदल जाएंगी। आज तुम्हारी हुकूमत है तो क्या हुआ, कल हमारी भी आएंगी। सर आज देश में कुछ मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर ताकत है, ये कह रही है कि जैसा पाकिस्तान एक मुसलमानों का देश है, एक इस्लामी राष्ट्र है, बांग्लादेश एक छोटा सही लेकिन मुसलमानों का देश है, इस्लामी राष्ट्र है, तो हम भी इसको कहने के हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग इस तरह की आवाजें बुलंद कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं और ये यहाँ तक कहा जा रहा है, अंदेशे बताया जा रहा है कि 2024 के बाद शायद हो सकता है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाए, तो इसको आप कैसा देखते हैं, इसको लेकर आपका संदेश? मेरा तो यही कहना है कि जो भी है वो बद दिमाग और बेवकूफ लोग है, वो जो हिंदू राष्ट्र के बारे में बोल रहे, वो हिंदू राष्ट्र के बारे में नहीं बोल रहे। मैं अभी बताया ना आपको, ज्योग्राफिक हिसाब से जो भारत का रहने वाला भारतीय, जो इंडिया का रहने वाला है वो इंडियन है और जो हिंदुस्तान का रहने वाला है वो हिंदू है। ज्योग्राफिक हिसाब से सब हिंदू हो रहे यहाँ के रहवासी, बाकी तुम धर्म से ना जोड़ो इसको। असल में वो संविधान के दुश्मन है, उनको संविधान हटाना है, बाकी कुछ नहीं। और ये इतना आसान नहीं है, तुम संविधान हटेंगे तो 70 से 80 करोड़ लोगों का क्या करेंगे तुम? माइनॉरिटी मुस्लिम सिख, उसके बाद में तुम्हारे जितने भी माइनॉरिटी में आते, फिर जय भीम समाज, ये सब इतने 70-80 करोड़ लोगों को क्या करेंगे? ये क्या इस बात में राजी होंगे कि हिंदू राष्ट्र, हमने हमारी खून, ये मिट्टी के अंदर हमारा खून शामिल है। तारीख के पन्ने उठा के देखो कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने अपनी जान लगा दिए थे और खून
वहां के मिट्टी के अंदर अपना खून मिला के देश को आजाद करा लाए, और देश को आजाद करने के बाद संविधान की रचना बाबा साहब ने सबने मिलकर रचा ली। तो अब बताओ, तो इतने आसानी से संविधान हटा दोगे तुम और अपने हिंदू राष्ट्र बना दोगे? वो जो पाकिस्तान बना तो क्या हमने बोले थे पाकिस्तान को अलग करो? हम तो आज तुम्हारा को बोलते चलो पाकिस्तान पे चढ़े करो, ले लो अंदर मिला दो, अखंड भारत करो उसको पूरा, जहां तक अखंड भारत था सबको मिलाओ, तुम मिलेंगे? हम आपको उनसे क्या लेना देना है? हम हमारे देश के बारे में देखेंगे, हमारी मिट्टी, हर वक्त मुसलमान ने ये काम किया है, देश के लिए अपनी जान दिया है, जान से प्यारा देश हमारा, कुर्बान मेरी जान देश के है नाम। सर एक आखिरी सवाल जाते आते देखिए सर, कुछ लोग ताकते लोग मुसलमान 25 करोड़ मुसलमानों के संदेश देते हैं कि तुम्हारे आभार तक जिन्होंने कहने के हिंदुत्व को छोड़कर उस द्वारा जो भी धर्म को मानने वाले थे उन्होंने उस धर्म को छोड़ा, इस्लाम धर्म को स्वीकार करा और आप घर वापसी कर लो, एक घर वापसी की भी मुहिम चला रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी पार्टी की भूमिका क्या है और आपकी तरफ से उनकी तरफ संदेश क्या है? देखो धर्म का जो मामला है वो दिल से रहता, ठीक है, तुम किसी के दिल पे जबरदस्ती नहीं कर सकते, तुम किसी के शरीर पे कर सकते जबरदस्ती, तुम रूल्स वो लगाकर उसको जो भी है एक्स वाई जेड, मगर किसी के दिल पे नहीं कर सकते। दिल से धर्म का मामला रहता और उनको फंडामेंटल राइट्स है, उन्हों कोई भी धर्म में कोई भी जा सकता, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता, उसको कोई रोक टोक नहीं है, बट तुम उसको जबरदस्ती करेंगे तो क्राइम हो रहा, और फिर क्राइम होगा तो फिर वो बहुत गलत बात है, फिर उस हिसाब से तुमको पनिशेबल भी कराना चाहिए। और ये इतनी आसान बातें नहीं है, तुम बोल रहे ये हिंदू राष्ट्र का भी जो बोल रहे थे आप, हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते वो लोगों को क्या ये नहीं मालूम? यूनाइटेड नेशन कैसा मानेगा तुम्हारे को, वहां कैसा प्रस्ताव डालेंगे, वहां से कैसा पास करके लेंगे, इतना क्या आसान है? सर एक सवाल ये इलेक्शन तालु से सर, कि आप इलेक्शन आने वाले हैं तो आपकी औरंगाबाद की क्या तैयारी है? कोई चेहरा मुस्लिम चेहरा आपके नजर में है, जो भी चेहरा कि आप अपनी पार्टी से खड़े करने वाले हैं, मराठवाड़ा की सीट देने वाले हैं, और जो इच्छुक उम्मीदवार है उनको क्या आह्वान करेंगे अगर आपसे पार्टी से लड़ने का ख्वाहिश मंद कि हमारे पार्टी की आपसे मुलाकात करो, ऐसा कुछ उनके बात बोलेंगे आप संदेश आपके इस मौके पर? कैसा है, अभी तो पार्टी की स्थापना हो गई, अभी पार्टी ने जन्म ली, अभी उसका जन्म हुआ, अब वो रेंगेंगी, फिर वो चलेंगी, और जब दौड़ेंगी तो अच्छे अच्छे क्या बोलते, तो जितने भी संविधान के दुश्मन जो बदमाश लोग हैं जो गंदे राजनीति कर रहे हैं उन सबको फिर मजा चखेंगे वो सब, क्योंकि वो खुद बहुत जनता वहां से हटेंगी और हमसे ज्वाइन होना चाहूंगी। जनता का जो नेता रहता, नेता की विचारधाराएं अच्छी है तो जनता खुद बहुत ज्वाइन होना चालू हो जाती है उसके साथ में, और वो जो है जिनकी विचारधाराएं खराब है जो गंदी राजनीति कर रहे उनको तो बाद में बहुत बुरा हाल होगा उनका, इसमें कोई शक नहीं है। आखिर में जाते आते और हाँ, आपका कहना था कि हमारी जो पार्टी है अभी आगे कैसे चेहरे किस किस को करेंगे, तो जैसे जैसे हमारी पार्टी मन बोला ना कि सबका साथ सबका विकास में आप हमारा साथ दोगी अवाम, तो फिर अवाम गरीबों का साथ पार्टी देंगी, यानी कि उसका गरीबों का विकास होगा, जब आप हमसे ज्वाइन होंगे तो ही तो पार्टी खड़े रहेंगी ना सही तरीके से। सवाल ये था सर, जब औरंगाबाद में पत्रकार परिषद दे रहे हैं तो औरंगाबाद एक ऐतिहासिक शहर है, यहाँ से जो तहरीक उठती है इंकलाब लाती है और इसके असरात पूरे महाराष्ट्र में फैलते हैं, तो हो सकता है लोग ये जहन में ला रहे होंगे ये इंटरव्यू देखने के बाद चैनल जब वायरल होगा कि यकीनी तौर से आपकी पार्टी से लोकसभा के अंदर विधानसभा के अंदर कोई बड़ा चेहरा उभर के आएगा, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, ये सवाल तो जरूर उभरेगा, उसके लिए कुछ ठोस संदेश लड़ना चाहते ज्वाइन होना, कैसा नहीं देंगे, सब लड़ाएंगे ना सीटें इंशाल्लाह जितना हो सका उतना पॉसिबल, मैं बताया ना गली से दिल्ली तक जाएंगे, यहाँ से तो वहां तक फाइट करेंगे सिर्फ अवाम के लिए, बाकी मुझे कुछ इसमें इंटरेस्ट नहीं है, जैसा कि तुम्हारे क्या बोलेंगे मुझे ही सीटा होना, मुझे मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल दो कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आम जनता के लिए और देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखते हुए पार्टी को एस्टेब्लिश करा, इसलिए कि तुम्हारी मदद और तुम्हारा साथ हो गरीबों का सही आवाज उठाने के लिए। गरीबों के लिए आपके पार्टी का क्या सर, आज औरंगाबाद के हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि औरंगाबाद का नाम मिटाने की साजिश की जा रही है, छत्रपति संभाजी नगर रखने की कोशिश की जा रही है, इसमें आपकी भूमिका क्या है? आप क्या देखिए औरंगाबाद जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे, और औरंगजेब जो है तो कोई जालिम और क्रूर बादशाह नहीं था, उनकी हिस्ट्री पढ़ो तुमको पता चलेगा उनके सिपर सालार कौन थे, उनके वजीरा कौन थे, उन्होंने जंग लड़ने के लिए किसको भेजते थे, यदि तारीख गवाह है हिंदुस्तान की, अरे पढ़ के तो आओ घरों को जाकर, स्कूलों में जाओ पढ़ो, स्कूलों में नहीं पढ़ सके तो घर से पढ़कर आओ, देखो तुमको पता चलेगा कहाँ कहाँ औरंगजेब ने इनामात दिया, ले मंदिरें बनाए, वो क्या हुआ था चीन क्या बोलता यूनाइटेड नेशन के अंदर आज भी, अब तुम बोलते ना औरंगजेब को क्रूर ताना शाहबादशाह, और चीन बोलता चीन यूनाइटेड नेशन के अंदर कि जो हिमालय पर्वत है वो हमारा है, यूनाइटेड नेशन ने पूछा कैसा है तुम्हारा,
तो चीन का ये कहना था कि जो औरंगजेब है उन्होंने हम पे चढ़ाई करे और चढ़ाई करके वो छीन कर हमसे हिमालय पर्वत का हिस्सा हिंदुओं को दिए थे, ये बोले थे कि हिंदुओं की आस्था है। तो फिर कहां गया था क्रूर तानाशाह का, क्रूरपना, क्रूर नहीं था औरंगजेब। ये तुम गलत बताते, तुम गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे, ये पढ़ाओ ना सही तरीके से बच्चों को, फिर पता चलेगा। हिमालय पर्वत चीन आज भी मांगता हमारा है, फिंगर आठ फिंगर हिल्स पे चीन ने कब्जा कर लिया, क्यों करते चल रहा उन्हें कब्जा, वो हमारा है बोलता। और औरंगजेब ने, उन्होंने खुद बयान करा ना वहां के, औरंगजेब ने वो हमसे छीन कर लेकर हिंदुओं के हित में दिए थे, कि हिंदुओं ने जाके बोले थे हमारी आस्था है और चीन ने कब्जा कराया चीन के हित में, तो उन्होंने लेके तुम्हारे पास दी। फिर तुम उनको क्यों इतना बुरा बोलते हो, वो सम्राट है, संभाजी महाराज भी संभाजी महाराज है, लेकिन संभाजी महाराज मेरे तरफ से, मेरी पार्टी जिस दिन भी सत्ता में आएंगी ना, मैं औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद रखूंगा और पुणे का नाम मुझे बेकार दिखता, पुणे का नाम हटा के संभाजी नगर रखूंगा मैं, ठीक है, पुणे का नाम। और मुझे लातूर का भी नाम बेकार दिखता, मैं लातूर का नाम निकाल दूंगा और लातूर के जगह मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगरी रखूंगा। नांदेड़ का नाम हटा दूंगा मैं और नांदेड़ का नाम मैं रखूंगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। सर आते थे आखिरी में आपके जबानी, आपकी एक बार आपके जबानी आपके पार्टी का नाम पूरा एड्रेस बोल दीजिए, ताकि जो जो लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं संपर्क कर सके, आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए, ताकि जो लोग आपसे जुड़ने वाले हैं उनको जुड़ने में आसानी हो सके। देखिए मैं एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान, डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी, पार्टी प्रेसिडेंट, फाउंडर प्रेसिडेंट, और जिसको भी ज्वाइन होना है, क्योंकि अवाम साथ देंगी तो ही आगे बढ़ेंगे, तुम्हारे लिए लड़ेंगे हित में हर चीज। और 8007594786 मेरा नंबर है, डायरेक्ट आपको जो भी बोलना है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिसको भी ज्वाइन होना है या तुम्हारी जो भी रिक्वेस्ट है बता सकते हैं मुझे, बायोडाटा के साथ में, फिर इंशाल्लाह आगे उस पर अमल किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट मुझसे आके रब्ता कायम करना है तो अभी औरंगाबाद में सब तरफ तो ऑफिस हैं, डिक्लेयर वो सब होंगे, मगर जब तक अगर मिलना है तो मुख्य कार्यालय परभनी महाराष्ट्र, परभनी यूसुफ कॉलोनी नियर यूसुफिया मस्जिद, 431401 परभनी का पिन कोड। माई सेल्फ एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान, डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी फाउंडर प्रेसिडेंट, मैं औरंगाबाद अपडेट न्यूज का खैर मकदम करता हूं, बहुत ही मुबारकबाद देता हूं, और सब जनता से अवाम से ये अपील करता हूं कि उनके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, औरंगाबाद अपडेट न्यूज और औरंगाबाद अपडेट न्यूज़पेपर, ये दोनों भी जो है तो ये गरीबों के हित में और गरीबों की आवाज, आम जनता की आवाज है, और इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।